तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट जो सप्लाई है उसका शेड्यूल कैसे बनाया जाए। तो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाने के लिए आपको दो ही चीज याद रखना है, और वो दो चीज क्या है, दो चीज ये है कि भाई आप कोई भी आप जितना भी मान लीजिए कमा रहे हैं तो कमाएंगे तो उसके दो ही काम कर सकते हैं, और वो दो काम क्या है, एक या तो पैसा बचा लेंगे और दूसरा पैसा खर्च कर लेंगे, यानी कि कुछ हिस्सा बचा सकते हैं और कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हैं, हो सकता है पूरा हिस्सा खर्च कर दें आप, राइट। तो आप कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं, यानी कि आपकी इनकम जो है वो दो हिस्से में हो सकती है, एक तो है कंजम्पशन और दूसरा है सेविंग, राइट। हो सकता है आप कुछ पैसा खर्च करें और कुछ पैसा आप बचा लें, तो आपकी बचत और आपका कंजम्पशन दोनों के लिए हम प्लस कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी आपकी टोटल इनकम, और इनकम और सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है, ठीक। तो देश की यदि हमको एग्रीगेट सप्लाई का भी हम शेड्यूल बना रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बना रहे हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बनाने के लिए हमें पता है कि कंजम्पशन और सेविंग दोनों को प्लस कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि मैं हम या तो कुछ खर्च करूंगा या कुछ बचाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मेरी इनकम मिल जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी कोई ना कोई बेस होना चाहिए, तो वो बेस क्या रहेगा, वो बेस ये रहेगा कि आप को कमाई कब होगी, कमाई तब होगी जब आपको कोई ना कोई काम मिले, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट यदि होगा तो ही लोगों को इनकम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, से फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तब भी कुछ खर्च होगा, या इम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो इम्प्लॉयमेंट को मैं अज्यूम कर लिया है कुछ पर्टिकुलर के ये इम्प्लॉयमेंट का लेवल है, कि इम्प्लॉयमेंट इस पर्टिकुलर लेवल पर कितना खर्च को कितना सेविंग, इस पर्टिकुलर इम्प्लॉयमेंट के लेवल पर कितना खर्च कितनी सेविंग, तो मैंने एक इम्प्लॉयमेंट का लेवल मान लिया। अब मैं मान रहा हूं कि जीरो लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी जो है अभी कुछ किसी को काम नहीं मिला है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, और उस कंडीशन में भी खर्च तो होगा कि होगा, उस कंडीशन में खर्च होगा, आप कमाए ना कमाए लेकिन खर्च जो है वो जरूर होता है, राइट। तो आप कुछ कमा नहीं रहे अभी, आपको कोई काम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी खर्च तो होगा। अब मुझे बताइए कि आपने कुछ कमाया नहीं है, खर्च फिर भी हुआ है, तो वैसी बात है कि कमाया नहीं है तो खर्च कहां से होगा, भाई आपके पास जो पहले पैसे पड़े होंगे वो खर्च करेंगे आप, और क्या। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दो महीने से आपके पास कोई काम नहीं, मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दी, नई जॉब आपने ज्वाइन नहीं की है, या आपने कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस आपने कुछ समय के लिए ब्रेक थोड़ा सा रोक रखा है, अभी आपको वापस बिजनेस स्टार्ट करने टाइम लगेगा, तो यहाँ हम मान रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च तो होगा, तो खर्च होगा तो कहां से होगा, अपनी सेविंग को खत्म करेंगे। अब जीरो रुपीज की आपका एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या इनकम तीनों एक ही बात है, राइट। तो जीरो लेवल आप इनकम है, दस रुपए आपका खर्च है, तो माइनस टेन आपका क्या हो जाएगा, सेविंग, ठीक। तो एग्रीगेट सप्लाई कितना आएगा, जीरो, राइट, क्योंकि टेन माइनस टेन हो गया। फिर आप जैसे जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसी बात है आपने खर्च ज्यादा बढ़ाने लग जाएंगे। मैं मानता हूं कि जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उसका 50% हम खर्च करने लग जाएंगे, तो हम जैसे 10 रुपीज बढ़े तो 10 का 50% नहीं 5 रुपीज हम ज्यादा खर्च करने लग गए, पहले 10 खर्च कर रहे थे 15 खर्च करने लग गए, फिर वापस 10 रुपीज बढ़े, वापस हम 5 रुपीज का हमने खर्च बढ़ा लिया तो ये 20 हो गए, फिर हमने 5 रुपए खर्च बढ़ा लिया, फिर 5 रुपए खर्च बढ़ा लिया, खर्च 5-5 रुपए से हम जो है बढ़ाते गए, 5-5 रुपए से हम खर्च बढ़ाते गए। अब हम देखें सेविंग कितनी हुई, 10-15-5, 20-20 जीरो, 30-25 ये हो गया 5, 40-30 हो गया 10, फिर ये हो गया 15, फिर ये हो गया 20, फिर ये हो गया 45, राइट। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आएगा, और ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब आप देखेंगे दोनों एक ही है, तो ये दोनों एक वाकई में एक ही है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल और एग्रीगेट सप्लाई का लेवल या इनकम का लेवल एक ही बात होती है, ठीक। इसको यदि आप प्लॉट करते हैं एक ग्राफ पर,
तो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो इम्प्लॉयमेंट का लेवल है इसको आपको बेस मानना है और इसी नंबर पर यदि इसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव कर्व बनेगा जिसको आप बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक, इस पर आप एक कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करेंगे तो कंजम्पशन कर्व 10 से स्टार्ट हो रहा है 15-20 मतलब इस लेवल पर जाकर के जो है वो बराबर हो रहा है थर्ड लेवल पर जाकर के। मैं मानता हूँ ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लेवल है तो ये कंजम्पशन कर्व है और कंजम्पशन कर्व जो है यहाँ पर आकर के बराबर हो रहा है ये रहा कंजम्पशन कर्व। फिर यदि मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग इस लेवल पर जाकर के सेविंग जीरो है और इसके लेवल तक जो है माइनस में है तो माइनस यानी इस साइड तो ये यहां मैं कर्व बनाऊंगा जो कि सेविंग का कर्व रहेगा राइट है तो सेविंग का कर्व कुछ इस तरह का एक सेविंग का कर्व बन जाएगा। अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है एग्रीगेट सप्लाई क्या है तो एग्रीगेट सप्लाई को आपने डिफाइन किया एग्रीगेट सप्लाई इट मीन द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। फिर आपको उसको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के लिए सिंपली आपने इम्प्लीमेंट का लेवल लिखा फिर कंजम्पशन कुछ भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन मान लिया 10 रुपीज और 5 से उसको बढ़ाते गए आपने पूरा जो कंजम्पशन में से सॉरी इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया सेविंग वाली और फिर अगेन वापस ये की चीज आपने लिख दी इसको प्लॉट आपने कर दिया ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने अभी पढ़ा आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या है। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।